ध्यानचंद एक छोटा सा लड़का था। वो बहुत ही प्यारा था, लेकिन ध्यानचंद को एक प्रॉब्लम थी। उसका मन कभी एक जगह टिकता नहीं था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेल में भी मन नहीं लगता था। माँ बाप चिंतित रहते थे, क्या होगा मेरे लाल का, माँ अक्सर परेशान होकर कहती। पिताजी उसे समझाते, बेटा मेहनत करो। लेकिन ध्यानचंद क्या करता, उसका मन तो जैसे पतंग था जो हवा में इधर उधर उड़ता रहता था। ध्यानचंद की यह समस्या सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं थी, घर पर भी वो किसी काम में मन नहीं लगा पाता था। जब उसकी माँ उसे होमवर्क करने के लिए कहती तो वो किताबों के पन्ने पलटता रहता, लेकिन ध्यान कहीं और होता। खेल के मैदान में भी उसका ध्यान भटक जाता, कभी वो गेंद के पीछे भागता तो कभी तितलियों के पीछे। उसके दोस्त भी उसे समझ नहीं पाते थे, वे सोचते थे कि ध्यानचंद अजीब है। लेकिन ध्यानचंद को खुद भी समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों है। उसकी माँ ने कई बार उसे डॉक्टर के पास भी ले जाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके स्कूल में एक नई टीचर आई। उन्होंने ध्यानचंद की समस्या को समझा और उसे ध्यान केंद्रित करने के कुछ तरीके सिखाए। धीरे धीरे ध्यानचंद ने उन तरीकों को अपनाना शुरू किया। अब उसका मन पढ़ाई में भी लगता था और खेल में भी। उसके माँ बाप की चिंता भी कम हो गई थी। एक दिन ध्यानचंद उदास बैठा था, तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु बहुत शांत और तेजस्वी थे। ध्यानचंद उनके पास गया। साधु ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? ध्यानचंद ने अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने बताया, एक बार एक हाथी था। वो बहुत बलवान था, लेकिन उसका मन चंचल था। वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता था, कभी इधर भागता कभी उधर भागता। साधु ने आगे कहा, बलवान होना ही काफी नहीं है। ध्यानचंद ध्यान से सुन रहा था। एक बंदर था, वो बहुत फुर्तीला था। पेड़ों पर चढ़ सकता था, उछल कूद कर सकता था। उसकी हरकतें देखने में बहुत मजेदार थी। साधु ने कहानी जारी रखी, लेकिन उसका मन भी चंचल था। वो एक जगह टिककर सोच नहीं पाता था। उसकी चंचलता उसे कभी कभी मुसीबत में भी डाल देती थी। साधु ने समझाया, सिर्फ फुर्तीला होना ही काफी नहीं है, मन की स्थिरता भी जरूरी है। ध्यानचंद को अब समझ आने लगा था कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। फुर्ती और स्थिरता का मेल ही सच्ची सफलता दिला सकता है। बंदर की कहानी से ध्यानचंद ने सीखा कि हमें अपने मन को भी नियंत्रित करना चाहिए। साधु की बातें सुनकर ध्यानचंद ने ठान लिया कि वह अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार बंदर की कहानी ने ध्यानचंद को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक शेर था, वो बहुत बहादुर था, जंगल का राजा था, साधु ने आगे बताया। लेकिन उसका मन भी स्थिर नहीं था, वो छोटी छोटी बातों से डर जाता था। साधु ने कहा, सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं है। ध्यानचंद अब उत्सुकता से सुन रहा था। साधु ने प्यार से समझाया, बेटा हाथी की तरह बलवान बनो, बंदर की तरह फुर्तीला बनो और शेर की तरह बहादुर बनो। लेकिन याद रखना, इन सब गुणों के साथ सबसे जरूरी है मन को शांत रखना। साधु ने कहा, मन की शांति से ही तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हो। ध्यान और बुद्धि का संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और बुद्धि प्रखर होती है। ध्यानचंद को साधु की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि मन की शांति से ही वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। उसने मन को शांत करना सीखा, ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपने जीवन में संतुलन महसूस करने लगा। ध्यानचंद ने देखा कि जब उसका मन शांत होता है तो वह अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है। उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ गई, पढ़ाई में मन लगने लगा। वह अब अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाता था और उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा। खेल में भी ध्यान केंद्रित कर पाता था। उसने महसूस किया कि ध्यान से उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों बढ़ रही है। ध्यानचंद अब खुश रहने लगा। उसने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना और सफलता की राह पर आगे बढ़ गया। ध्यान और मन की शांति ने उसे एक नई दिशा दी और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने लगा।